कि क्लास में जो हमारी जो क्लासेज जो हुई है उसमें हम लोगों ने जस्ट चैप्टर नंबर 12 में हम लोगों ने पढ़ा था कांग्रेस की स्थापना से पूर्ववर्ती संस्था है, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे कांग्रेस की स्थापना, ठीक है। महत्वपूर्ण है, कांग्रेस की स्थापना से कभी कभी प्रश्न होते हैं, तो चलिए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले देखेंगे नीचे दिए गए चार राजनीतिक दलों में से किसकी स्थापना सबसे अंत में हुई, ठीक है। आप देखो ब्रिटेन कंजर्वेटिव पार्टी, संयुक्त राज्य अमेरिका की डेमोक्रेटिक पार्टी, संयुक्त राज्य अमेरिका की रिपब्लिक पार्टी और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस होगा, ठीक है। श्रमिक दल लेबर पार्टी ध्यान रखेंगे, तथा अनुदार कंजर्वेटिव पार्टी ब्रिटेन की प्रमुख राजनीतिक पार्टियों में से एक है, ठीक है। लेबर पार्टी कहाँ की पार्टी है, तो ब्रिटेन की पार्टी है, ठीक है। उसके बाद के कंजर्वेटिव पार्टी की बात की, ये भी आपको ब्रिटेन की पार्टी, ये दोनों पार्टियां आरंभिक हिग तथा टोरी नामक राजनीतिक संस्थाओं का संगठित एवं आधुनिक रूप है, ठीक है। पहले हिग तथा टोरी नाम की जो संस्थाएं जो थी ब्रिटेन में, उसी का संगठित एवं आधुनिक रूप है। ब्रिटेन में कंजर्वेटिव पार्टी की स्थापना 1834 में होती है, कब होती है, 1834 में ब्रिटेन के कंजर्वेटिव पार्टी की स्थापना हुई थी। डेमोक्रेटिक एवं रिपब्लिक पार्टियों की अमेरिका की दो प्रमुख पार्टी मानी जाती है, ठीक है। डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक पार्टी कहाँ की पार्टी है, तो अमेरिका की दो प्रमुख पार्टी है। अमेरिकी संविधान निर्माता राजनीतिक दलों के अस्तित्व के विरुद्ध थे, किंतु अमेरिकी संविधान के लागू होने मतलब 1789 में अमेरिका का संविधान लागू होता है, उसके पश्चात 19वीं शताब्दी के आरंभ में रिपब्लिक एवं डेमोक्रेटिक पार्टी की स्थापना हुई। कालक्रम की दृष्टि से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कंजर्वेटिव पार्टी इंग्लैंड तथा रिपब्लिक पार्टी, ठीक है, ध्यान रखेंगे, एवं डेमोक्रेटिक पार्टी यूएसए के पश्चात हुई। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना दिसंबर 1885 में अवकाश प्राप्त, ठीक है, अंग्रेज अधिकारी एओ होम ने कहाँ पे की थी, तो बॉम्बे में की थी, ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष की बात करेंगे तो कौन थे, तो WC बनर्जी थे। स्टेटमेंट है, भारतीय नेशनल कांग्रेस INC के गठन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है, ठीक है। INC की गठन 1885 में बम्बई में हुआ, ठीक है। INC के प्रथम अध्यक्ष की बात करेंगे तो WC बनर्जी थे, तो दोनों को दोनों स्टेटमेंट की बात करेंगे, बॉथ स्टेटमेंट की बात करेंगे, ट्रू है, कोई दिक्कत नहीं इसमें, ठीक है। अब चलेंगे, ये जो आपको एओ होम साहब जो थे ना, ये पक्षी वैज्ञानिक थे, क्या थे, ये पक्षी वैज्ञानिक भी थे, ध्यान में रखेंगे, पक्षी वैज्ञानिक थे और साथ में ICS के अधिकारी भी थे, ठीक है। इटावा के अधिकारी थे, इटावा में इन्होंने सर्विस किया था, ठीक है। मध्य इटावा यूपी में पड़ता है ना, उत्तर प्रदेश के इटावा में इन्होंने क्या किया था, अधिकारी के तौर पर इन्होंने सर्व किया था, काम किया था। ये पक्षी वैज्ञानिक थे, इनकी मृत्यु की बात करेंगे तो इनका मृत्यु 1912 में होता है, ठीक है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, कोई भारतीय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रारंभ नहीं कर सकता था यदि कांग्रेस का संस्थापक एक महान अंग्रेज, एक विशिष्ट सेवानिवृत्त अधिकारी न होता। तो ऐसा इसलिए कि उन दिनों राजनीतिक आंदोलन में इतना अविश्वास था कि सत्ताधारी इस आंदोलन को दबाने के लिए कोई ना कोई तरीका निकाल लेते थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना इनमें से किसने यह स्टेटमेंट दिया था, स्टेटमेंट की बात करेंगे तो गोपाल कृष्ण गोखले ने दिया था। गोपाल कृष्ण गोखले के हिसाब से अगर बात करेंगे, उनके हिसाब से सॉरी, कोई भारतीय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रारंभ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को प्रारंभ नहीं कर सकता था यदि कांग्रेस का संस्थापक एक महान अंग्रेज, एक विशिष्ट सेवानिवृत्त अधिकारी न होता। तो ऐसा इसलिए कि उन दिनों राजनीतिक आंदोलन में इतना अविश्वास था कि सत्ताधारी मतलब कि ब्रिटिश गवर्नमेंट आंदोलन को दबाने के लिए कोई ना कोई तरीका निकाल ही लेते। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना पर इनमें से किसने ये कथन दिया था, तो गोपाल कृष्ण गोखले जी का स्टेटमेंट था, ठीक है। किसने दिया था, गोपाल कृष्ण गोखले जी ने स्टेटमेंट दिया था, ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की बात करेंगे, कब हुआ था, तो 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की क्या होगी, तो स्थापना होगी, इसे आप याद रखिएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक की बात करेंगे, संस्थापक कौन थे, तो ध्यान रखिएगा क्या हो जाएगा, तो एओ होम की बात करेंगे, ये इसकी क्या थे, तो संस्थापक की बात करेंगे, तो एओ होम साहब जो थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के क्या थे, संस्थापक थे, इसे आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की बात करें, बॉम्बे में होना था, बॉम्बे में हुआ, हालांकि इसकी सभा जो मीटिंग जो बुलाई गई थी पुणे में बुलाई गई थी, लेकिन पुणे में प्लेग की समस्या उत्पन्न हो जाती है, इसलिए इसको कहाँ पे बॉम्बे में शिफ्ट करना पड़ा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक में से एक कौन थे, ठीक है, तो ये असैनिक सेवक थे, सिविल सर्वेंट थे ये, ठीक है। क्या थे ये, सिविल सर्वेंट थे, कहाँ के सिविल सर्वेंट थे, शहर का नाम मैंने बताया इटावा, कौन सा इटावा, ध्यान रखे। साथ में क्या थे, तो साथ में पक्षी वैज्ञानिक भी थे, क्या थे, और ऑर्निथोलॉजिस्ट, क्या था ये, पक्षी वैज्ञानिक थे, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। पूछा जाता प्रश्न ये, ठीक है। नीचे दो वक्तव्य दिए गए, ध्यान से देखिए, नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं, एक को कथन ए तथा दूसरे को कारण आर कहा गया है, ठीक है। इसको समझना है कौन सा स्टेटमेंट सही है। एओ होम, ठीक है, इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना की, बिल्कुल की,
उनका विचार था कि भारत के लोग अपनी स्वाधीनता की लड़ाई इंडियन नेशनल कांग्रेस की सहायता से लड़ेंगे, ठीक है। तो दोनों के दोनों स्टेटमेंट की बात करेंगे, तो दोनों के दोनों स्टेटमेंट की बात करेंगे, ठीक है। उनका विश्वास था कि भारत के लोग अपनी नहीं, उनका विश्वास ये था कि भारत के लोग इसके माध्यम से स्वाधीनता की लड़ाई नहीं लड़ेंगे, उनका विश्वास है भारत के लोग अपनी मांगों को गवर्नमेंट के सामने इसके माध्यम से रखेंगे, ठीक है। मतलब तो उनकी जो डिमांड वगैरह जो होगी सरकार के सामने, ठीक है, वो मांग को क्या कर सकते हैं, रख सकते इसके माध्यम से। ये तो करेक्ट है, फिर कथन आर की बात करेंगे गलत हो जाएगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे कांग्रेस की स्थापना का उद्देश्य राजनीतिक आजादी प्राप्त करने से ज्यादा यह था कि उस समय ब्रिटिश साम्राज्य पर आसन्न खतरों से उसे मतलब बचाया जाए, ठीक है, ध्यान में रखना। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में, पूरा नाम की बात करेंगे, पूरा नाम भी कई बार पूछा है, एलेन ऑक्टेवियन ह्यूम ने किया था। किसने किया था? एलेन ऑक्टेवियन, पूरा फुल नाम क्या है, एलेन है, ऑक्टेवियन है, ह्यूम। उनका उद्देश्य भारतीयों को स्वाधीनता की लड़ाई के लिए प्रोत्साहित करने का नहीं था। 1916 में यंग इंडिया में प्रकाशित एक लेख में सुरक्षा वाल्व सिद्धांत के बारे में लाला लाजपत राय ने लिखा था, कांग्रेस लॉर्ड डफरिन के दिमाग की उपज थी, ठीक है। तो सुरक्षा वाल्व, ठीक है, ध्यान में, सुरक्षा वाल्व थ्योरी की बात करें, किसने थे, लाला लाजपत राय का था, और उन्होंने कहा था कांग्रेस जो थी डफरिन के दिमाग की उपज थी, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट सब आने वाला है, इससे प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। चलिए, दिसंबर 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस का शपथ अधिवेशन कहाँ पे हुआ, तो क्या बताएंगे, बता ही देंगे आप लोग कहाँ पे हुआ है, तो आपके बॉम्बे में होते हैं। कहाँ पे होते हैं? बॉम्बे। मैंने बोला था ना 28 दिसंबर, स्मॉल डेट ध्यान में रखिएगा। कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, स्मॉल तारीख क्या है, 28 दिसंबर, ठीक है, 28 दिसंबर 1885 को कांग्रेस की स्थापना हुई। पूछे जाएगा बम्बई में कहाँ पे, ठीक है, ध्यान रखे, तो गोकुल, बम्बई स्थित गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज, ठीक है। कॉलेज का नाम क्या है, गोकुल गोकुलदास दास तेजपाल तेजपाल संस्कृत कॉलेज के संस्कृत परिसर में कॉलेज। आयोजित किया गया। और इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी, तो बैमह चंद बनर्जी ने की थी, जो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के क्या थे, प्रथम अध्यक्ष थे। बात करेंगे कांग्रेस के इस अधिवेशन में कुल कितने प्रतिनिधि ने पार्टिसिपेट किया, तो क्या बताएंगे, 72 72 प्रतिनिधि ने पार्टिसिपेट किया, जिसमें बिहार से पार्टिसिपेट करने वाले लोगों की संख्या क्या थी, शून्य थी। बिहार से कितने लोग गए थे पहले अधिवेशन में, नहीं, एक भी लोग नहीं गए थे, ठीक है। इनमें से जो अधिकतर लोग जो थे ये वकील एवं पत्रकार थे। ध्यात हो कि कांग्रेस की स्थापना भारतीय राष्ट्रीय संघ के नाम से 1884 में एओ हुम की गई थी, एओ हुम के द्वारा की गई थी। शुरू में इसका नाम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस नहीं, जो भारतीय राष्ट्रीय संघ था, क्या था, भारतीय राष्ट्रीय संघ, भारतीय राष्ट्रीय राष्ट्रीय संघ था, लेकिन बाद में दादाभाई नौरोजी एडवाइस करके इसको भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस इसका नाम बदल देते हैं, ठीक है। शुरू में इसका नाम क्या था, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस संघ के नाम से 1884 में एओ हुम के द्वारा की गई थी, लेकिन बाद में इसका नाम परिवर्तन होता है, ठीक है, जिसका नाम दादाभाई नौरोजी के सुझाव पर बंबई में आयोजित अधिवेशन में इंडियन नेशनल कांग्रेस कर दिया। मतलब स्थापना एक तरह से देखा जाए तो अनौपचारिक रूप से पहले ही हो गई थी 84 के दौरान में, लेकिन जब 1900 मुख्य रूप से जब इसकी स्थापना 1885 माना जाता है, जब इसका बंबई में इसका स्थापना हुआ, यहाँ पे किसने सुझाव दिया इसे भारतीय राष्ट्रीय संघ से नाम बदलकर इसका नाम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस करना चाहिए, दादाभाई नायडू जी। दादाभाई नौरोजी ने, ठीक है। कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की मांगों में मुख्यतः प्रशासनिक सुधार और सैन्य गतिविधियों में कमी लाने पर बल दिया। मतलब शुरू में कांग्रेस किसी प्रकार के आजादी के लिए नहीं बनी थी, तो कांग्रेस की स्थापना इसलिए नहीं किया गया था कि आगे चल के मतलब क्या आजादी मांगेगी, इसलिए किया गया था अपनी मांगों को मतलब क्या कर सकती, कि भारतीयों की मांगों को एक संस्था के द्वारा मतलब क्या किया जा सकता है, सरकार के सामने रखा जा सकता है, ठीक है, ध्यान में रखना है, इंपोर्टेंट है। कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की मांगों में मुख्यतः प्रशासनिक सुधार और सैन्य गतिविधियों में कमी लाने पे बल दिया गया। कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन 1885 में एओ हुम को राष्ट्रीय कांग्रेस के महासचिव बनाया गया। तो एओ हुम साहब जो थे महासचिव थे, अध्यक्ष कौन थे, बिल्कुल, डब्ल्यू सी बनर्जी। ठीक है, विलियम बेडनबर्ग ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को सेफ्टी वाल्व कहा है, ठीक है। तो विलियम बेडनबर्ग जो कि कांग्रेस के अध्यक्ष भी बने, तो उन्होंने भी सेफ्टी वाल्व कहा, वैसे सेफ्टी वाल्व थ्योरी यंग इंडिया में लाला लाजपत राय ने दिया था, ठीक है। प्रथम अधिवेशन में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था, अभी 10 मैंने ऊपर बताया, जल्दी बहत्तर जल्दी, कितने बहत्तर लिए थे, लिया 72 लिए थे, बहुत सुंदर, ठीक है। बंबई में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की, बताते जाइए, किसने किया, बिल्कुल एओ हुम ने किया, बहुत सुंदर, वेरी गुड, ठीक है, बताना है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1885 में महासचिव कौन बने, क्या बताएंगे, एओ हुम महासचिव, डब्ल्यू सी बनर्जी अध्यक्ष था, अध्यक्ष थे, सॉरी, ठीक है, ये कौन थे, एओ हुम थे, ठीक है। अब स्टेटमेंट पढ़ना है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन दिसंबर 1885 में कलकत्ता में मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक राष्ट्रीय सम्मेलन में हुई थी, गलत है, हाँ
है, 1885 में बॉम्बे में हुई और डब्ल्यू सी बनर्जी की अध्यक्षता में हुई। भारतीय राष्ट्रीय जी कांग्रेस के गठन में के समय में सुरक्षा बल प्रधान विलियम बेडनवर्ड द्वारा लिखित एओ हम के जीवनी से प्रकट होता है, तो इन्होंने तो दिया जी था। अब बात करेंगे, यह प्रारंभिक निर्णय यह था कि अध्यक्ष उसी क्षेत्र से होगा जहां वह अधिवेशन होगा, बिल्कुल ध्यान में रखना है। यह प्रारंभिक निर्णय नहीं था, बाद में निर्णय लिया गया था से मतलब अध्यक्ष उसी क्षेत्र से होगा जहां पे अधिवेशन होगा। डब्ल्यू सी बनर्जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहले अध्यक्ष थे, तो ये सही है। ठीक है, दो चार स्टेटमेंट की बात करेंगे, सही ये वाला स्टेटमेंट जी नहीं है, ये वाला स्टेटमेंट सही नहीं है। इसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन सॉरी तीसरा वाला स्टेटमेंट, यह प्रारंभिक निर्णय यह था कि अध्यक्ष उसी क्षेत्र से होगा जहां अधिवेशन होने वाला हो, तो ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, अध्यक्ष उसी क्षेत्र से होता था जहां अधिवेशन होती थी, लेकिन निर्णय शुरू में नहीं था, बाद में ऐसा निर्णय लिया गया था। 1885 में डब्ल्यू सी बनर्जी द्वारा इंगित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्न उद्देश्यों में से कौन नहीं था? देश के हितों की रक्षा करने के लिए भारतीयों के बीच संपर्क और मित्रता बढ़ाना, देशवासियों के बीच जाति संप्रदाय तथा प्रांतीय पक्षपातों की भावना को दूर करके उसमें राष्ट्रीय एकता की भावना को विकसित करना, या फिर शिक्षित वर्ग की पूर्ण सम्मति से महत्वपूर्ण और आवश्यक सामाजिक विषयों पर विचार प्रकट करना, या फिर यह निर्धारित करना कि आगामी वर्षों में भारतीय लोकहित के लिए किस दिशा में और अधिक कार्य करे थे। ठीक है, तो कौन सा इनमें से नहीं था? तो इसका ऑप्शन लिया है ई, मतलब एक से अधिक नहीं था। ठीक है, एक से अधिक नहीं था, मतलब क्या क्या नहीं था सुन लीजिए। कांग्रेस के अध्यक्ष प्रथम अध्यक्ष बिक्रमचंद्र बनर्जी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन में निम्न उद्देश्य बताया। ठीक है, जब पहला अधिवेशन जब होता 1885 में, तो इन उद्देश्यों को रखा गया। साम्राज्य के विभिन्न भागों में राष्ट्र के हित के कार्यों में संलग्न ऐसे सभी व्यक्तियों में परस्पर घनिष्ठता और मित्रता को बढ़ावा देने की दिशा में कार्य है। ठीक है, अपने सभी राष्ट्र प्रेमियों में जाति धर्म तथा प्रांतीयता के सभी संभव पूर्वाग्रहों को सीधे मित्रतापूर्ण व्यक्तिगत संपर्क से दूर करना, राष्ट्रीय एकता की उन भावनाओं को पूरी तरह से विकसित और संगठित करना। जिन दशाओं में और जिस तारीख के अगले 12 महीनों में देश के राजनीतिज्ञों को लोकहित के लिए कार्य करना, तो उनका निर्धारण करना। ठीक है, ये सब के सब प्रारंभिक उद्देश्य में थे, आजादी लेने का कोई भी उद्देश्य शुरू में नहीं था। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन के बारे में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। यह 1885 में बंबई में हुआ था। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के समकालीन अधिवेशन होने का सुरेंद्र बनर्जी अधिवेशन में उपस्थित नहीं हो पाए थे, बिल्कुल। ठीक है, या दूसरा वाला स्टेटमेंट की बात करेंगे, वो भी आपका सही है। इस अधिवेशन में आपका सुरेंद्र नाथ बनर्जी उपस्थित नहीं थे। सुरेंद्र नाथ बनर्जी उस समय के बड़े नेताओं में से एक थे, लेकिन इस अधिवेशन में सुरेंद्र नाथ बनर्जी उपस्थित नहीं थे, समझ गए? तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी इसलिए नहीं थे क्योंकि उनका एक अधिवेशन था, इस वजह से नहीं थे। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को बम्बई में एओ हुम के द्वारा की गई, जिसका प्रथम अध्यक्ष 1885 ईस्वी में, इसका प्रथम अधिवेशन 1885 ईस्वी में हुआ, जिसकी अध्यक्षता डब्ल्यू सी बनर्जी ने किया, किंतु सुरेंद्र नाथ बनर्जी इस अधिवेशन में उपस्थित नहीं हुए थे क्योंकि 25 दिसंबर 1885 को कलकत्ता में द्वितीय इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया था, जिसकी अध्यक्षता सुरेंद्र नाथ बनर्जी कर रहे थे। ठीक है, तो इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो आयोजन जो 25 दिसंबर को जो कलकत्ता में किया गया था, दूसरा अधिवेशन था, इस दौरान 1885 में दूसरा अधिवेशन हुआ था, तो उसकी अध्यक्षता सुरेंद्र नाथ बनर्जी ही कर रहे थे, इसी वजह से वो ठीक है कलकत्ता से बॉम्बे नहीं आ पाए। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आप देखोगे नेशनल कॉन्फ्रेंस का आयोजन कहाँ पे किया जा रहा है, कलकत्ता में, और कांग्रेस की स्थापना कहाँ पे की जा रही है, बॉम्बे में। ठीक है, तो ये 25 तारीख को ये हो रहा, 28 तारीख को ये हो रहा, तो उस समय पहुंच नहीं पाए वो। ठीक है, क्योंकि उस समय क्या था, प्लेन नहीं था। ठीक है, प्लेन भारत में कब आती है बता सकता कोई? प्लेन भारत में कब आता है? 1908 के बाद आता है। ठीक है, चलिए अब निम्नलिखित में से कौन कांग्रेस की स्थापना निम्नलिखित में से कौन कांग्रेस की स्थापना अधिवेशन उपस्थित नहीं थे? तो कौन नहीं थे तो क्या बताएंगे? तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी नहीं थे। क्यों नहीं सुरेंद्रनाथ थे? बनर्जी क्यों नहीं थे? क्योंकि इनका एक मीटिंग था, कहाँ पे, कलकत्ता में इनका मीटिंग था, अधिवेशन की अध्यक्षता कर रहे थे। किसका अधिवेशन की अध्यक्षता कर रहे थे? तो इंडियन इंडियन नेशनल नेशनल कॉन्फ्रेंस कॉन्फ्रेंस। का। हाँ, इस वजह से ये कांग्रेस के स्थापना वाला मीटिंग में नहीं आ पाए थे। ठीक है, ध्यान में रखना है। निम्नलिखित में से किस निम्नलिखित भारतीय नेताओं में से कौन एक ब्रिटिश द्वारा इंडियन सर्विस शिविर से बर्खास्त कर दिया गया था? तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी को बर्खास्त कर दिया गया। पोस्टिंग कहाँ मिली थी इनको? कल के क्लास में बताया था कहाँ पे पोस्टिंग मिली थी? असम के सिलहट में पोस्टिंग मिली थी। कहाँ पे मिली थी? असम के सिलहट में पोस्टिंग मिली थी। ठीक है, असिस्टेंट मजिस्ट्रेट के पद पे इनको, लेकिन एक मामूली से गलती होने की वजह से इनको क्या कर दिया गया, इनको मतलब बर्खास्त कर दिया गया था। ठीक है,
सूर्यनाथ बनर्जी के बारे में थोड़ा जान लेते हैं, ठीक है। सूर्यनाथ बनर्जी की जी का जन्म 1848 में कलकत्ता में एक प्रतिष्ठित ब्राह्मण परिवार में हुआ था। 1868 में मात्र 20 साल की आयु में, ठीक है, कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्नातक का परीक्षा उत्तीर्ण करने का उन्होंने 1869 में 21 साल की आयु में सिविल सेवा परीक्षा को इन्होंने क्या किया, उत्तीर्ण किया। सही आयु के बारे में विवाद होने के कारण, ठीक है, उन्हें इस परीक्षा से अयोग्य ठहराया गया, ठीक है। किंतु बाद में उन्हें न्याय मिला और सिलहट में सहायक, ठीक है, न्यायाधीश पद पर उनकी नियुक्ति ही, किंतु कुछ समय के बाद जिला न्यायाधीश सदरलैंड की शिकायत पर उन्हें बर्खास्त कर दिया गया, ठीक है। तो पहले तो दो प्रॉब्लम इनका निकला, से पहले एज वाला प्रॉब्लम फंस गया, इनका एज गलत इन्होंने दिया है, ठीक है। तो पहले तो इनको आयोग ठहराया गया, लेकिन बाद में जाके फिर इनको न्याय मिला और बाद में इनको सिलहट के सहायक मजिस्ट्रेट के पद पर इनकी नियुक्ति तो हुई, किंतु कुछ समय बाद जिला न्यायाधीश, किनके साथ इनका मतभेद हो गया, सदरलैंड के साथ मतभेद हो जाता है, फिर इनको मतलब क्या किया जाता है, बर्खास्त कर दिया जाता है, ठीक है, ध्यान रखेंगे, समझ गए। अब आते हैं 17 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सुरक्षा बाल्ब सिद्धांत के अर्थ को समझाता है। एक सिद्धांत जिसने तर्क दिया कांग्रेस का गठन असंतुष्ट शिक्षित भारतीयों के लिए सुरक्षित अभिव्यक्ति के रूप में हुआ। एक सिद्धांत जिसने तर्क दिया कि कांग्रेस का गठन भारतीय लोगों को प्रति अंग्रेजों के शत्रुतापूर्ण व्यवहार के प्रति सुरक्षित अभिव्यक्ति के रूप में हुआ, ठीक है। एक सिद्धांत जो ये मानता था कि अंग्रेज तथा 1857 के पूर्व रिपब्लिक एक दूसरे के प्रति अपने विभेदों का समाधान सौहार्दपूर्ण तरीके से करे। एक विचार जिसने भारतीय लोगों के बीच सद्भावना का संबंधन किया। तो मेरे हिसाब से इसका तो ये वाला तो बिल्कुल सही। एक सिद्धांत जिसने तर्क दिया कि कांग्रेस का गठन भारतीय लोगों के प्रति अंग्रेजों के शत्रुतापूर्ण व्यवहार के प्रति सुरक्षित अभिव्यक्ति के रूप में हुआ। ए ये थ्योरी दैट आर्ग दैट द कांग्रेस इज फॉर्ड बाय द सेफ आउटलेट ऑफ होस्टाइल एटीट्यूड ऑफ ब्रिटिश टुवर्ड्स द इंडियन पीपल। नहीं, ये तो नहीं था, ये 1857 वाला में भी सही लगा, देखते क्या बी ही सही लिया, ठीक है। किधर गया इसका आंसर, किधर है? अच्छा, ये सही लिया, ठीक है। एक सिद्धांत जिसने तर्क दिया कि कांग्रेस का गठन असंतुष्ट शिक्षित भारतीयों के लिए सुरक्षित अभिव्यक्ति के रूप में हुआ, ठीक है, ये आपका सही लिया है, ठीक है। इसी को सुरक्षा बल सिद्धांत, मतलब सुरक्षा बल सिद्धांत के बारे में, ठीक है, ध्यान रखिए। सिंपल कथन ये था कि 1857 की क्रांति क्यों हुई। 1857 की क्रांति इसलिए हुई क्योंकि लोग जो थे असंतुष्ट थे और उनकी मांगों को रखने वाली कोई संस्था नहीं थी, इसलिए सभी लोग जो थे अपने स्तर पर मतलब क्या किया, उन्होंने विद्रोह कर दिया। लेकिन अब कांग्रेस की स्थापना कर दी गई, अब उनके अपने मांगों को कांग्रेस के द्वारा वो रख सकते थे, ठीक है। लेकिन ये चीजें जो थे ब्रिटिश के फायदेमंद के लिए हो गए, क्योंकि अब कोई भी असंतुष्ट भारतीय जो था विद्रोह नहीं कर सकता, क्योंकि कांग्रेस जैसी संस्थाएं थी और कांग्रेस शुरुआती दौर में कहीं ना कहीं ब्रिटिश की हिमायती बनी हुई थी। तो 1857 की क्रांति के विफलता का और भारतीय जनता में पनपते असंतोष को हिंसा के ज्वालामुखी के धारण करने और फूटने से रोकने के लिए व्यवसाय लॉर्ड डफरिन के निर्देश पर एओ हुम ने शिक्षित व्यक्तियों के लेकर 72 राजनीतिक कार्यकर्ताओं के सहयोग से 28 दिसंबर 1885 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की, ताकि फिर से 1857 जैसी क्रांति फिर से न उत्पन्न हो जाए, ठीक है। सेफ्टी बॉल का सिद्धांत इसी धारणा पे आधारित था, सुरक्षा बॉल जिसको कहते हैं। किसने कांग्रेस के सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक जनता का प्रतिनिधि बताते उसका मजाक उड़ाया था, तो डॉक्टर डफरिन ने, किसने किया था, डफरिन का एक स्टेटमेंट है, ध्यान में रखिए। लॉर्ड डफरिन की बात करेंगे तो कांग्रेस की स्थापना सन 1800 दिसंबर 1885 को हुई थी। उस समय भारत का गवर्नर लॉर्ड डफरिन था, जिसने कांग्रेस को सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक जनता का प्रतिनिधि बताते हुए मजाक उड़ाया था। तो बहुत ही कम जनसंख्या का क्या करता है, प्रतिनिधित्व करता था। तो कांग्रेस की मांगों को अज्ञात में छलांग की संज्ञा दी थी, जबकि कर्जन ने कांग्रेस को शत्रुता शांतिपूर्ण मृत्यु में योगदान देने के बाद कहकर कांग्रेस की अवहेलना किया था, ठीक है। कांग्रेस अपनी पतन की तरफ लड़खड़ाती हुई है, ठीक है, लड़खड़ाती हुई है और एक समय पर इसका मृत्यु हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस गवर्नर के समय में हुई, तो लॉर्ड डफरिन के समय में क्या होती है, इसकी स्थापना होती है, ठीक है। बट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना से भारत का वायसराय कौन था, तो फिर से सेम क्वेश्चन क्या हो जाएगा, तो डफरिन हो जाएंगे, ठीक है। नहीं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी, तो दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता की बात करेंगे तो दादा भाई नौरोजी, ठीक दादा है, ध्यान रखेंगे। दादा भाई नौरोजी की बात करेंगे तो दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता कब किए थे इन्होंने, तो 1886 में, ठीक है, कब किए थे, 1886 में इन्होंने भाई किया था, ठीक है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता 1886 में कलकत्ता में दादा भाई नौरोजी ने की। इसमें 33 मुस्लिम प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया था, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको रख लीजिए, ठीक है। दूसरे अधिवेशन में मुस्लिम प्रतिनिधियों की संख्या कितनी थी, ठीक है।
37, ठीक है, 1906 में कलकत्ता अधिवेशन की जिसकी अध्यक्षता दादाभाई नौरोजी ने की। फिर 1906 में आप देखोगे तो कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता फिर से दादाभाई नौरोजी जो है करते हैं। पहली बार कांग्रेस के मन से औपनिवेशिक स्वराज की मांग की गई थी। तो 1906 में जो कलकत्ता अधिवेशन हुआ था वहां पे पहली बार कांग्रेस के मंच से स्वराज शब्द की मांग की गई थी। 1902 में अहमदाबाद कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने की थी। फिरोज शाह मेहता ने 1885 में तैयब जीवन तैलंग के साथ मिलकर बॉम्बे प्रेसिडेशन एसोसिएशन की स्थापना की थी। पता ही आपको, इन तीनों के बॉम्बे त्रिमूर्ति भी कहा जाता है। गणेश आगरकर ने 1909 में आजीवन निर्वासन की सजा मिली थी गणेश आगरकर जी को, ठीक है। निम्नलिखित में से किन्हें बॉम्बे त्रिमूर्ति के नाम से जाना जाता है? तो फिरोज शाह मेहता साहब हो जाएंगे, तैयब जी हो जाएंगे, ठीक है, और तैलंग साहब हो जाएंगे, ठीक है। तो बिल्कुल फिरोज शाह मेहता, केती तैलंग और बैरुद्दीन तैयब जी, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वितीय सम्मेलन में कितने मुस्लिम सदस्यों ने पार्टिसिपेट किया था? तो क्या बताएंगे? तो 33। कितने थे? तो 33 33 थे। भारतीय तैतीस राष्ट्रीय कांग्रेस के सर्वप्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन बने थे? तो क्या बताएंगे? कौन बने थे? तो मौलवी बायोडिन तैयब जी, ठीक है। कहाँ कलीम पे बने थे? तो 1887 में बने थे। कहाँ पे बने थे? 1887 में मद्रास में, ठीक है। मद्रास। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1887 में, ठीक है, मद्रास में, ठीक है, तीसरे अधिवेशन की प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बैरुद्दीन तैयब जी थे। इस अधिवेशन में 607 प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया था। कितने प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया था पहले वाले में, तीसरे वाले में? तीसरे वाले में कितने प्रतिनिधियों ने 607 हिस्सा लिया था? ठीक है, 607 हिस्सा लिया था। यह पहला सम्मेलन था जिसके कार्य के संचालन का भार प्रतिनिधियों की एक कमेटी के हाथों में सौंपा गया। यह आगे चलकर विषय निर्धारणी समिति कहलाई। कांग्रेस का पहला अवसर था जब आम जनता ने भी कांग्रेस में शामिल होने की अपील की गई तथा सरकारी अधिकारियों की आलोचना की गई थी। ये तीसरे वाले अधिवेशन में जो कि मद्रास में हुई थी, ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू थी, ठीक है। कब बनी थी सरोजिनी नायडू? प्रथम भारतीय महिला थी, ये नहीं होगा। हाँ, तो ये भारतीय महिला को नहीं लगा हुआ ना, तो गलत हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि एनी पेशेंट हो जाएगी, ठीक है, यहाँ पर भारतीय नहीं लगा। हाँ, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बैरुद्दीन तैयब जी थे, तो ये सही हो जाएंगे, ठीक है। तो बोला कौन सा कथन सही है? तो केवल दो कथन की बात करेंगे दूसरा सही है, क्योंकि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष की बात करें सरोजिनी नायडू थी, जो कि 1917 में बनी थी। कहाँ पे? कलकत्ता में। उसके बाद सरोजिनी नायडू जाएगी कानपुर में आ जाएगी 40वें अधिवेशन 1925 में। उसके बाद ध्यान में रखेंगे, यस, 1887 वाला में बैरुद्दीन तैयब जी थे, ठीक है, जो कि मद्रास में हुआ था। इसमें कितने सदस्यों ने पार्टिसिपेट किया था? तो 607। कितने? तो 607 सदस्यों ने क्या किया था? तो इसमें पार्टिसिपेट किया था, ठीक है, ध्यान में रखना है। अब चलते आगे देखेंगे, ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम निर्वाचित अध्यक्ष कौन था? तो प्रथम निर्वाचित जॉर्ज अध्यक्ष जिसको सर्वसहमति से चुना गया था, जॉर्ज यूले यूले। थे, ठीक है। जो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम निर्वाचित यूरोपीय अध्यक्ष कौन था? तो जॉर्ज यूले था, ठीक है। 1888 की बात करेंगे तो 1888 में, ठीक है, चौथा अधिवेशन होता है ना, 85, 86, 87 जो कि इलाहाबाद में हुआ था, यहाँ पर यह अध्यक्ष निर्वाचित किया गया था, ठीक है। कोई आदमी क्वेश्चन देख लीजिएगा, आधा क्वेश्चन आज करा देंगे, आधा कल करके इसको खत्म करेंगे। एक बार बताइएगा कितना क्वेश्चन है। लाठी क्लब की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी? तो बाल गंगाधर तिलक ने लाठी क्लब बनाया था। कौन सा क्लब? लाठी क्लब लाठी क्लब, ठीक है, ध्यान रखिए। किसने बनाया था लाठी क्लब की 154 बात करेंगे। कितना है? 154 154 है तो कितना हो जाएगा? 75, 75-77 को नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे लाठी क्लब की बात करेंगे, इसकी स्थापना किसने की थी? तो किसने किया था, ठीक है, तो तिलक साहब ने, ठीक है। बाल गंगाधर तिलक साहब ने 1856 में महाराष्ट्र में हुआ था इनका जन्म, 1856 में, ठीक है। बाल गंगाधर तिलक लोकमान्य के उपनाम से भी जाने जाते हैं। तिलक के प्रयासों से डक्कन एजुकेशन सोसाइटी में फर्गूसन कॉलेज की स्थापना हुई थी। तिलक ने जनमत को जागृत करने के लिए केसरी, जो कि मराठी में इन्होंने लिखा था, और मराठा जो कि अंग्रेजों में लिखा था, तो केसरी जो थी आपकी दैनिक थी। क्या थी? केसरी। क्या थी? दैनिक केसरी जो न्यूज़पेपर जो थी दैनिक थी। और मराठा की बात की जो अंग्रेजी में दैनिक जो आती थी, अंग्रेजी वाला क्या थी? साप्ताहिक थी, ठीक है, ध्यान में रखना, साप्ताहिक इंपॉर्टेंट है। इनका प्रकाशन प्रारंभ किया। और इनको किस जेल में रखा गया था? मांडले जेल में रखा गया था, ध्यान में रखना है। और इन्होंने मांडले जेल में रहते हुए मराठी में गीता पर टीका लिखा था, जो गीता रहस्य के नाम से जानी जाती है, ठीक है, ध्यान रखा। ये इन्होंने एक सिद्धांत दिया था, ठीक है। आर्यों का आगमन का कौन सा थ्योरी इन्होंने दिया था? आर्टिक होम इन्हीं का है ना, आर्टिक होम थ्योरी, ठीक है। ये तिब्बत से बोले थे कि आ जाए हैं। नहीं, तिब्बत से नहीं, आर्टिक, हाँ आर्टिक एक बार देख ठीक लीजिए, ठीक है।
तिलक ने जनता को संगठित हाँ करने के लिए धार्मिक मनोभाव उभारने का भी प्रयास किया, जिसमें से इन्होंने क्या किया, तो इन्होंने गणपति उत्सव का शुरुआत किया महाराष्ट्र में, शिवाजी उत्सव भी प्रारंभ किया, तिलक क्लब बनाए, समितियां बनाई, लाठी क्लब बनाया, अखाड़ा क्लब बनाया, ठीक है, सबके सब इन्होंने किया था, तो सबके सब तिलक जी ने ही किया था, ठीक है। तो लाठी क्लब किसने बनाया, तो बाल गंगाधर तिलक। भारतीय राष्ट्रीय माइक इनका खुला हुआ है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से ब्रिटिश समिति कब स्थापित की गई, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ब्रिटिश समिति 1889 में बनी थी, कब बनी थी, तो 1889 में बनी थी, ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ब्रिटिश समिति, या फिर ब्रिटिश कमेटी ऑफ इंडिया की बात करेंगे, तो 1889 में लंदन में इसकी स्थापना की गई। इसका सचिव कौन थे, विलियम डिगबी थे, ध्यान रखिएगा नाम इंपोर्टेंट है। तो ब्रिटिश कमेटी जो बनी थी लंदन में 1889 में कांग्रेस की स्थापना के 4 वर्ष के बाद, इसके सचिव की बात करेंगे विलियम डिगबी थे। इसी समिति ने लंदन में भारतीय मसलों पर अंग्रेजों को अवगत कराने के लिए इंडिया नामक पत्रिका का भी क्या किया था, तो प्रकाशन किया था, ध्यान में रखना इंपोर्टेंट है। अब चलेंगे आगे, चलेंगे तो आगे कौन सा प्रश्न है वो भी जरा देखते हैं। कांग्रेस के लिए समर्थन प्राप्त करने के लिए 1889 ईस्वी में एक समिति स्थापित गई थी, निम्न से कौन उस समिति का सभापति थे, क्या नाम था, डिगबी, क्या नाम था डिग्री उसका, डिगबी, ठीक है। तो डिग्री ये क्या था, ये ध्यान में रखना है, ब्रिटिश कमेटी ऑफ इंडिया थी, इसकी स्थापना 1889 में लंदन में की गई थी, इसके अध्यक्ष थे विलियम डिगबी। ये कौन सा पत्रिका निकालते थे, यहाँ से पत्रिका निकालते, इसका नाम था इंडिया इंडिया, कौन सा पत्रिका निकलती इंडिया थी, तो इंडिया नामक पत्रिका जो थी यहाँ से निकलती थी, ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वितीय मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे, पहला तो बैरुद्दीन तैयब जी, खान दूसरा अब्दुल कौन हो गफ्फार जाएंगे, खान ठीक खान है, अब्दुल तो दूसरा गफ्फार ध्यान में रखेंगे वो हो जाएंगे, तो खान अब्दुल रहमतुल्ला गफ्फार सयानी, ठीक है, 1800 रहीमतुल्ला सयानी हो जाएंगे, ठीक है, आई थिंक 96 वाले में रहमतुल्ला सयानी थे, ठीक है। खान अब्दुल गफ्फार खान कभी भी कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं बने थे, ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम, ठीक है, मुस्लिम अध्यक्ष बैरुद्दीन तैयब जी थे, उन्होंने मद्रास में आयोजित कांग्रेस सम्मेलन 1887 की अध्यक्षता की। इसके बाद दूसरे मुस्लिम अध्यक्ष की बात, रहीमतुल्ला सयानी थे, ठीक है, जो कि कलकत्ता में थे। इनसे इम्पोर्टेंट क्या है, तो इसी अधिवेशन में क्या हुआ था, तो वंदे मातरम गीत का गायन किया गया था, ठीक है, ध्यान में, जी कौन सर सा गीत, तो वंदे मातरम गीत, और गीत को गाया किसने था 1896 के अधिवेशन वाले में, तो रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने, रविन्द्रनाथ ठीक है, टैगोर हाँ दोनों गीत रविन्द्रनाथ टैगोर जी ही गाते, ठीक है, रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने ही गाया था, ठीक है, ध्यान रखेंगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में निकासी के सिद्धांत को औपचारिक रूप से, मतलब ड्रेन ऑफ वेल्स जो था ना उसको, मतलब स्वीकार किया गया, तो ध्यान रखिए इसका उपायुक्त में से कोई नहीं लिया है, ठीक है, क्योंकि 1896 वाला अधिवेशन था। इसको क्या बोलते हैं, ड्रेन ऑफ वेल्थ, ठीक है, मतलब क्या है, ब्रिटिश जो है सो भारत से क्या कर रहा है, पैसा तो ले जा रहा है लेकिन भारत को उसके बदले में किसी भी प्रकार का कोई भी लाभ नहीं हो रहा है, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी कहते हैं, ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1896 कलकत्ता अधिवेशन में निकासी के सिद्धांत को औपचारिक रूप से स्वीकार किया गया। दादा भाई नौरोजी, आरसी दत्त तथा वाचा द्वारा प्रतिवादित निकास, कौन कौन लोग थे, बहुत सारे लोग थे, दादा भाई नौरोजी का नाम तो पॉपुलर है, साथ में आरसी दत्त और दिनसा वाचा, ठीक है, क्या नाम है इनका, दिनसा वाचा, ठीक है, नाम इंपोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। इनके द्वारा प्रतिपादित निकास सिद्धांत अंग्रेजों की भारत से आर्थिक भूमि पर दोषारोपण, इस सिद्धांत का कालांतर में उग्रवादी दलवारों ने अंग्रेजों को बदनाम करने के लिए, मतलब प्रचुर रूप से, मतलब क्या किया, प्रयोग किया था। 1857 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अमरावती अधिवेशन में किसने 3 दिवसीय तमाशा कहा था, ठीक है, तो 3 दिन का तमाशा है कांग्रेस का अधिवेशन, 3 दिन का तमाशा है, किसने कहा था, तो अश्विनी कुमार दत्त अश्वनी कुमार दत्त ने, ठीक है। ए के दत्त साहब की बात की, इनकी बहुत अधिक भूमिका कहाँ पर रहेगी पता है, किस आंदोलन में इनकी, ए के दत्त साहब की बहुत अधिक भूमिका होगी, ए के दत्त का भूमिका किसमें होगा, स्वदेशी आंदोलन में, ठीक है, किसमें होगा, स्वदेशी आंदोलन में इनकी बहुत अधिक भूमिका आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। इनका नाम था ए के कुमार दत्त, ए के अश्वनी कुमार दत्त, ठीक है, इन्होंने बोला था 1897 में कांग्रेस के अमरावती अधिवेशन, बोला था कांग्रेस का अधिवेशन 3 दिन का क्या है, तमाशा है, ठीक है। 1897 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अमरावती अधिवेशन को अश्वनी कुमार दत्त ने 3 दिन, अगर अगर बीपीएससी अगर क्वेश्चन पूछेगा ना, तो स्टेटमेंट पूछेगा, ठीक है, कौन क्या कहा था, इसलिए जो भी स्टेटमेंट है उसको आप लोग क्या कीजिएगा, एक जगह लिख लीजिएगा, स्टेटमेंट की किताब में आपको एक जगह अधिवेशन दिया भी हुआ है, ठीक है, सारा स्टेटमेंट जो है सो एक जगह पे दिया भी हुआ है। निम्नलिखित में किसने कांग्रेस के आरंभिक अधिवेशन को 3 दिवसीय तमाशा कहा था, तो किसने कहा था, तो अश्वनी कुमार दत्त ने कहा था, ठीक है, ध्यान में रखना है। अब चलेंगे आगे, चलेंगे तो देखते हैं कौन सा प्रश्न है। निम्नलिखित राजनीतिक पार्टियों में से ब्रिटिश किसको राजद्रोह कारखाना कहते थे, ठीक है, तो मतलब निम्नलिखित राजनीतिक पार्टी ब्रिटिश किस है, राजद्रोह का कारखाना, ठीक है, समझ रहे हैं ना,
तो किसको कहते थे, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में कहते थे राजद्रोह का क्या है, कारखाना है, ठीक है। तो किसने कहा था, ठीक है, देशद्रोह का संगठन किसने कहा था, करजन ने कहा था, ठीक है, बिल्कुल ठीक है, करजन ने कहा था, ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को ब्रिटिश राजद्रोह का कारखाना कहते हैं। वसराज करजन ने कांग्रेस के बारे में टिप्पणी करते उसे गंदी चीज, ठीक है। देशद्रोह का संगठन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना एवं हुम के द्वारा कब की गई थी, 1885 में की गई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने सन 1905 में बनारस अधिवेशन की अध्यक्षता कौन कर रहे थे, तो 1905 में कौन थे, तो गोखले साहब थे। कौन थे, गोखले साहब थे। ये अधिवेशन अपने आप में इंपोर्टेंट क्यों है, क्योंकि यहाँ पे ध्यान में रखना है, क्यों इंपोर्टेंट है, क्योंकि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1905 के बनारस अधिवेशन की अध्यक्षता गोपाल स्वदेशी कृष्ण गोखले। आंदोलन हाँ बिल्कुल, यह कांग्रेस का 21वां अधिवेशन था। कितना नंबर का अधिवेशन था, तो 21वां अधिवेशन एक था, ठीक है। बनारस अधिवेशन गोखले को विपक्ष की नेता की उपाधि दी गई थी, ठीक है। गोपाल कृष्ण गोखले ने 1905 में द सर्वेस ऑफ इंडिया सोसाइटी नामक संस्था की भी स्थापना की थी, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। गोपाल कृष्ण गोखले ने कांग्रेस के किस अधिवेशन में पार्टिसिपेट किया और मत अध्यक्षता की थी, तो 1905 वाला में, ठीक है। निम्नलिखित में से किस आंदोलन के कारण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन हुआ, जिसके फलस्वरूप नरम दल गरम दल बन गया, तो कौन सा आंदोलन था, तो स्वदेशी आंदोलन। कब स्वदेशी प्रारंभ हुआ स्वदेशी आंदोलन, कब प्रारंभ हुआ, 1905 1905 पांच में में, ठीक है। 1905 में स्वदेशी आंदोलन क्या हुआ, प्रारंभ हुआ, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत बंगाल विभाजन के परिणाम स्वरूप 1905 में होती है, जिसके जिसके जिसमें क्या था, ब्रिटिश वस्तुओं का क्या करना, बहिष्कार करना, स्वदेशी उत्पादन को प्रोत्साहित करना। गरम दल के समर्थक अरविंद घोष, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, ठीक है, बिपिन चंद्र पॉल, लाला राजपत राय, तथा स्वदेशी आंदोलन को पूरे देश में लागू करना चाहते थे और पैन इंडिया पे इनको लागू करना चाहते थे, जबकि नरमपंथी समर्थक स्वदेशी आंदोलन को सिर्फ बंगाल तक सीमित रखना चाहते थे। मतभेद बढ़ता गया तो 1906 में ही मतलब फूट होने वाली थी, लेकिन दादा भाई नौरोजी थे उस समय तो संभाल लिए, लेकिन 1907 में कांग्रेस का सूरत अधिवेशन नरम दल एवं गरम दल में क्या हो गया, विभाजित हो गया। प्रारंभिक वर्षों में कांग्रेस में विभाजन की प्रक्रिया शुरू हुई, ठीक है, कांग्रेस आंदोलन की रणनीति पे, तो बिल्कुल ये ठीक है, कांग्रेस आंदोलन की रणनीति पे, क्योंकि मतलब स्वदेशी आंदोलन को जो जो राष्ट्रवादी जो थे, उग्रवादी जिनको कह लीजिए आप, उनका क्या मन था, उनका मन था से पूरे भारत में चलाए, जो उदारवादी जो थे उनका मन था उसको बंगाल तक ही सीमित रखे, इसलिए कांग्रेस आंदोलन की रणनीति क्या होगी इसके वजह पे। कांग्रेस आंदोलन का उद्देश्य क्या था, इनका था से भाई साहब उद्देश्य ऐसा है से मतलब ब्रिटिश का पूरी तरीके से विरोध करो, ठीक है, उनका था से मतलब कागजी रूप से मौखिक रूप से विरोध करना था। कांग्रेस आंदोलन में लोगों की भागीदारी के ऊपर, बस सारे ऊपर पे दोनों में क्या होता है, मतभेद दोनों में होता है, ठीक है। निम्नलिखित में से किसने 1906 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में दादाभाई नौरोजी के अध्यक्षीय भाषण को बदले में पढ़ा था, ठीक है, तो 1906 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो कलकत्ता अधिवेशन जो था, इसमें दादाभाई नौरोजी की तबीयत जो थी बहुत अधिक खराब हो गया था, वहां पर जिन्ना की बात, जिन्ना था क्या, नहीं सॉरी, गोपाल कृष्ण गोखले की बात करेंगे तो उन्होंने मतलब पढ़ा, ठीक है, क्या किया था, उन्होंने पढ़ा था, ठीक है। एक मिनट, मैं एक फोन ले रहा हूं, ठीक है। कहाँ पे थे हम लोग, तो गोपाल कृष्ण गोखले हो जाएंगे, ठीक है, लेकिन ये मेरे को डाउट लग रहा है, क्योंकि ये जिन्ना भी था इसमें शामिल, ठीक है, देखता हूँ पढ़ते, ठीक है। मोहम्मद अली जिन्ना दादाभाई नौरोजी के सचिव थे, उन्होंने ही 1906 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कलकत्ता अधिवेशन के लिए दादाभाई नौरोजी का भाषण तैयार किया था, हिंदी भाषण को अधिवेशन में गोपाल कृष्ण गोखले ने पढ़ा, तो वही मुझे डाउट लग रहा था, ठीक है। से यहाँ पे ये जो आपका ये जो बनारस अधिवेशन जो था ना, यहाँ पे इनकी इतनी तबीयत खराब हो गई थी, अध्यक्ष तो बना दिए गए थे लेकिन ये अपने भाषण को भी नहीं पढ़ सकते थे, ठीक है। हालांकि बनारस अधिवेशन जो 1906 में जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो सॉरी बनारस बोल रहा हूँ, कलकत्ता अधिवेशन जो 1906 वाला है
पांच वाला बनारस अधिवेशन है, तो इसमें दादा भाई नौरोजी की बात करेंगे, तो नौरोजी साहब के भाषण को तैयार किसने किया था? तो नौरोजी साहब के भाषण को तैयार जो किया था जिन्ना ने किया था, क्योंकि उनके निजी सचिव थे। लेकिन उस भाषण को पढ़ा किसने थे? तो भाषण को पढ़ा था गोपाल कृष्ण गोखले ने। ठीक है, ध्यान में रखेंगे, समझ गए? किसने पढ़ा था उस भाषण को? तो भाषण को पढ़ा था गोपाल कृष्ण गोखले ने। लेकिन भाषण को तैयार किसने किया था? तो जिन्ना ने भाषण को तैयार जी किया था, क्योंकि क्या थे? पर्सनल सेक्रेटरी थे। ठीक है, दादा भी नौजी थे, दादा भी नौजी सेक्रेटरी बहुत रखते थे। जिन्ना तक को सेक्रेटरी रखा था वहाँ, क्या नाम था वो, क्या नाम था वहां पे जिन्होंने झंडा फहराया था, ठीक है, स्टुटगार्ड में, वो भी इनकी मैडम कामा, वो भी इनकी सेक्रेटरी। जी हाँ ठीक है, तो वो हमेशा एक सेक्रेटरी अपना रख के चलते थे। निम्नलिखित में सो किस मैं नेता ने 1906 में डायरेक्ट इंट्री हो रही थी 1906 में जिन्ना की डायरेक्ट एंट्री हो गई थी पॉलिटिक्स में। हाँ जिन्ना, वो बहुत पहले पॉलिटिक्स, देखिए जिन्ना का पॉलिटिक्स में एंट्री होने का सबसे बड़ा रीजन था कांग्रेस ने जिन्ना को पॉलिटिक्स में एंट्री करवाया था, क्योंकि जिन्ना को पॉलिटिक्स में 1906 के बाद एक्टिव रखा था, क्योंकि मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच सेतु के रूप में काम करता था जिन्ना। ठीक है, लेकिन ये 1920 तक तो बहुत अच्छा था, लेकिन गांधी जी जब आए ना, तो उन्होंने जिन्ना को प्रश्रय देना बंद कर दिया। गांधी जी छोटे छोटे मुस्लिम नेताओं से भी मतलब क्या करने लगा, वो समझौता करने, इस बात जिन्ना को बहुत खलने लगा। जब कांग्रेस के बड़ा मुस्लिम नेता है ही, तो गांधी फिर मतलब छोटे नेताओं से क्यों मतलब करे, जैसे हसन इमाम अली जो थे बिहार में थे, ठीक है, बहुत सारे नेता जो थे उनसे भी इन्होंने करने लगा था, ये बात जिन्ना को खंडले लगी, तो 1920 में उसने कांग्रेस को छोड़ दिया। हालांकि कांग्रेस के साथ साथ जिन्ना मुस्लिम लीग का भी सदस्य हुआ करता था, ठीक है, इसे दोनों के बीच में सेतु का काम करता था। तो मतलब किसी भी तरह का कोई भी मतभेद हो तो जिन्ना होते थे मतलब कांग्रेस के मुस्लिम की तरफ से, वो मतलब एक तरह से प्रतिनिधि के तौर पे काम करते थे। लेकिन बाद में ये बात जिन्ना को खलने लगा, उनको प्रश्रय कम मिलने लगा, और कांग्रेस में और भी मुस्लिम नेता आने लगे, और जिन्ना जो था अपना मुस्लिम का एक छत्र नेता बनना चाहता था, इस वजह से उसने कांग्रेस को 1920 में छोड़ दिया। असहयोग आंदोलन के चलाने के भी वो समर्थन में नहीं था, इसलिए उसने असहयोग आंदोलन को समर्थन भी नहीं दिया था। जिन्ना ने भी नहीं दिया था, एनी बेसेंट ने भी नहीं दिया था। ठीक है, उसके बाद चितरंजन दास की बात करेंगे, मोतीलाल नेहरू ने, इन लोगों ने भी समर्थन नहीं दिया था। ठीक है, चलिए आप चलते हैं। निम्नलिखित में से किस नेता ने 1906 में कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? तो ध्यान में रखना, दादा भाई नौरोजी। कांग्रेस के मंच से, ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में प्रथम बार स्वराज शब्द व्यक्त किया गया? 1905 वाला था कि 1906 वाला था, बताइए, स्वराज शब्द वाला कौन था? 1905 1906 वाला, ठीक है, कलकत्ता अधिवेशन में स्वराज शब्द का सबसे, बनारस अधिवेशन में स्वदेशी आंदोलन किस प्रकार से चलेगी, उसकी रूपरेखा क्या रहेगी, 1905 वाला में उसकी चर्चा की गई थी, या कलकत्ता अधिवेशन का स्वराज का शब्द का प्रयोग कांग्रेस के मंच से इसका किया गया था पहली बार, तो स्वराज क्या होना चाहिए? ठीक है, तो 1906 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अधिवेशन कलकत्ता में, जिसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने की, इसी अधिवेशन के बतौर अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के आंदोलन का लक्ष्य स्वराज घोषित किया। भाई साहब हम लोग को क्या चाहिए? स्वराज चाहिए। ठीक है, अभी स्वराज का लक्ष्य है, पूर्ण स्वराज और स्वराज में अंतर होता है। ठीक है, पूर्ण स्वराज का लक्ष्य कांग्रेस 1929 में लाहौर अधिवेशन में घोषित करेगी। अब इसने किस लक्ष्य को अपनाया? तो केवल स्वराज को लक्ष्य को अपनाया। ठीक है, इसी में ये इंडिपेंडेंस है। ठीक है, आप जाके टोटल इंडिपेंडेंस की बात करें, उसको पूर्ण स्वराज कहते हैं, वो आपका लाहौर अधिवेशन में होगा। ठीक है, अध्यक्ष पद से भाषण देते हुए पहली बार स्वराज की मांग की गई। इस सम्मेलन में स्वदेशी आंदोलन, बहिष्कार आंदोलन, राष्ट्रीय शिक्षा एवं स्वशासन से संबंधित चार प्रस्ताव जो थे पारित किए गए थे, यह भी आपको ध्यान में रखना है। कितने प्रस्ताव? चार प्रस्ताव। ठीक है, आप देखेंगे कांग्रेस ने स्वराज प्रस्ताव वर्ष 1906 में पारित किया, जिसका उद्देश्य क्या था? तो अपने लिए संविधान बनाने का अधिकार, किंतु ऐसा नहीं हुआ। ठीक है, ध्यान रखेंगे, स्वशासन सुनिश्चित करना था, सेल्फ रूल था। ठीक है, स्वराज का मतलब क्या होता है? तो स्वशासन मतलब खुद का मतलब क्या था, इस स्वराज का मतलब ये नहीं होता कि मतलब हम आजादी चाहते हैं। ठीक है, मतलब हम, ठीक है, कम से कम हमको मतलब, हमको मतलब राजनीतिक मामलों में तो हमको स्वतंत्र कर दो। जैसे मतलब चीन, चीन क्या था? चीन राजनीतिक मामलों में हमेशा से स्वतंत्र था, चीन में राजा हमेशा से था, अपना प्रशासन अपना देखता था। लेकिन चीन जो था आर्थिक तरीके से मतलब क्या था, वो गुलाम था। हम लोग राजनीतिक और आर्थिक तरीके से दोनों से गुलाम थे, आर्थिक रूप से हमारा शोषण हो रहा था, और साथ में प्रशासन कौन चला रहा, ब्रिटिश गवर्नमेंट चला रही थी, ये सारी दिक्कतें थी। ठीक है, तो हम लोग चाह रहे थे कम से कम हम लोग को अपना स्वराज चलाने दो, कम से कम प्रशासन किस प्रकार से चलेगा उसका जिम्मेवारी हम लोग को दे देना चाहिए। ठीक है, जैसा कि इसने ऑलरेडी स्वराज दे रखा था कहाँ पे, जिसको डोमिनियन स्टेटस कहते हैं इसको, जो कि कल जबकि ऑस्ट्रेलिया वगैरह में था, वही हम लोग मांग रहे थे। भारतीय इतिहास की निम्नलिखित घटनाओं में सही अनुक्रम पहुंचाइए। ठीक है, मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में, सूरत का सात विभाजन 1907 में, सात
बंगाल का विभाजन 1905 में, पांच ठीक है, पांच कलकत्ता राजधानी कलकत्ता का हस्तांतरण 1911 में, ग्यारह ठीक है। तो ग्यारह क्या हो जाएगा, 3-1-2-4, ठीक है, क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी 3-1-2-4, ठीक है। तारीख याद रखिए, ठीक है, आप क्या पूछा जाएगा, तारीख पूछा, बंगाल का विभाजन 16 अक्टूबर, 16 अक्टूबर इंडियन मुस्लिम लीग की स्थापना 28 दिसंबर, ठीक है, दिसंबर इंडियन मुस्लिम लीग की 28 दिसंबर, 30 दिसंबर कांग्रेस की स्थापना, सॉरी, इंडियन मुस्लिम लीग की कांग्रेस स्थापना आठ 30 दिसंबर, कांग्रेस की 28 दिसंबर, ठीक है। सूरत सर विभाजन 1907 में हुई थी, राजधानी से कलकत्ता से दिल्ली हस्तांतरण 1912 में, दिसंबर की ही घटना है, 23 दिसंबर की है, मुस्लिम कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर की है, और इंडियन मुस्लिम लीग की स्थापना 30 की है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। चलिए आप चलेंगे, आगे चलेंगे, देखेंगे कौन सा है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वर्ष 1900 में विख्यात कलकत्ता अधिवेशन में 4 संकल्प पारित किए गए। सूरत में 1907 में हुए कांग्रेस के अगले अधिवेशन में चारों संकल्पों को स्वीकार करने अथवा उन्हें अस्वीकृत करने के प्रश्न को कांग्रेस में विभाजन हो गया। निम्नलिखित में से कौन से एक संकल्प इन चारों संकल्पों में से नहीं था, ठीक है, तो बंगाल विभाजन को रद्द करना नहीं था, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। बाकी बायकॉट था, ठीक है, राष्ट्रीय शिक्षा था, स्वदेशी था, सबके सब थे, कलकत्ता, ठीक है, मतलब बंगाल के विभाजन को रद्द करना इन चार प्रस्ताव में से नहीं शामिल था, ठीक है। अब देखिए, बंगाल विभाजन के बाद उत्पन्न परिस्थितियों का प्रत्यक्ष परिणाम यह हुआ कि कांग्रेस के अंदर नरम दल और गरम दल के मध्य विरोध और तीव्र हो गया, जिसके फलस्वरूप 1907 ईस्वी में सूरत अधिवेशन में कांग्रेस 2 भागों में विभक्त हुआ। 1906 में कांग्रेस अधिवेशन में 4 संकल्प पारित हुए। ये संकल्प कौन थे, एक था बहिष्कार था, बाइकॉट, राष्ट्रीय शिक्षा, स्वदेशी और स्वशासन का था। चलिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कलकत्ता में हुआ तो गलत है ना, कहाँ पे हुआ था, बॉम्बे बंबई में हुआ था। बंबई भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन दादाभाई नौरोजी ने इसकी अध्यक्षता की, तो बिल्कुल दादाभाई नौरोजी ने इसकी अध्यक्षता की थी, ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का मुस्लिम लीग दोनों ने लखनऊ में 1916 के अधिवेशन में तथा मुस्लिम समझौता संपन्न हुआ, बिल्कुल 1916 में लखनऊ में मुस्लिम लीग के साथ समझौता हो जाता है, सही ठीक है। तो 2 या 3 स्टेटमेंट की बात करेंगे, सही है, ठीक है, है ध्यान रखेंगे, ठीक है। देखिए, 1906 में ढाका में नवाब सलीम उल्लाह द्वारा मुस्लिम लीग के गठन के बाद सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़ने लगा, ठीक है, मतलब कॉम्युनल टेंशन की बात करेंगे, काफी अधिक हो गया था, तो इसके वजह से आप देखोगे तो क्या होता है, 1916 में लखनऊ अधिवेशन बुलाई जाती है और यहाँ पे मुस्लिम लीग के साथ समझौता किया जाता है, कहते हैं मुस्लिम लीग के साथ समझौता करके उनके सारी मांगों को माना गया, यहाँ से मुस्लिम तुष्टिकरण की नींव रखी गई, ठीक है। अब बोला जाएगा 1916 में जो लखनऊ अधिवेशन था किनके प्रयासों से किया गया, तो इसमें मदन मोहन मालवीय एवं एनी बेसेंट जी के प्रयासों से 1916 में लखनऊ में कांग्रेस एवं मुस्लिम लीग के संयुक्त अधिवेशन हुआ, ठीक है। कौन कौन दो बड़े नेता थे, तो मदन मोहन मालवीय और मतलब कौन थे, श्रीमती एनी बेसेंट, एनिवेशन ठीक है। इसकी अध्यक्षता में उनका चरण इसकी इसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे, अंबिका चरण मजुमदार कर रहे थे 1916 वाला का। इसमें पारित प्रस्ताव को लखनऊ पैक्ट के नाम से जाना जाता है, ठीक है, यहाँ पे जो प्रस्ताव पारित हुआ उसको क्या बोलते हैं, लखनऊ पैक्ट कहते हैं, ठीक है। प्रस्ताव के तहत मुस्लिम के सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की मांग को कांग्रेस ने स्वीकार कर लिया, ठीक है। तो अभी क्या करेगी, लखनऊ अधिवेशन में कांग्रेस जो थी मुस्लिम के मांगों को क्या कर ली, सुधार, मतलब क्या कर ली, एक्सेप्ट कर ली, आगे चल के मांगों से मतलब क्या होती है ना, आगे चल के मांगों से मतलब क्या होती है, मतलब मांगों को अस्वीकार कर देती है। इसके वजह से क्या होता है, मुस्लिम लीग और मतलब कांग्रेस के बीच में टेंशन बहुत ज्यादा मतलब क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, क्योंकि तुमने एक बार में हमारा सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की मांग को स्वीकार कर दिया, आगे चल के इनकार कर देते हैं, इसके वजह से मुस्लिम लीग जल्दी फिर से कांग्रेस के पे बातों पर भरोसा नहीं करती है, ठीक है। निम्नलिखित नेताओं में से कौन कभी भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से नहीं जुड़े, तो सावरकर साहब जो थे वो कभी वीर भी नहीं जुड़े, ठीक सावरकर है, ध्यान रखेंगे, ठीक है, कभी भी उन्होंने जो बात करेंगे तो उन्होंने 1899 में सावरकर साहब ने मित्र मेला की स्थापना किया था, 1904 में ही मित्र मेला अभिनव भारत के नाम से मतलब प्रसिद्ध होता है। हिंदू राष्ट्र की राजनीतिक विचारधारा विकसित करने का श्रेय वीडी सावरकर को जाता है, ये हिंदू महासभा से संबंधित है, कांग्रेस से इनका कोई संबंध नहीं था, ठीक है, ध्यान रखें। और सर सैयद अहमद खान की बात करें, ये भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से कभी भी नहीं रहे, ठीक है, तो सर सैयद अहमद खान का भी संबंध भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से कभी भी नहीं था, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन एक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से कभी भी संबंध नहीं रहे थे, सर सैयद अहमद खान, ठीक है, जिस समय कांग्रेस की स्थापना हुआ सर सैयद अहमद खान का कद बहुत बड़ा था, ठीक है, मुसलमान के बहुत बड़े नेता माने जाते थे, तो उस हिसाब से कांग्रेस का मतलब ये अध्यक्ष कांग्रेस का सदस्य तो एटलीस्ट होना चाहिए, लेकिन कभी कांग्रेस के नीति में बिलीव नहीं करते, इसलिए कांग्रेस के सदस्य कभी भी बने नहीं।
निम्न में से कौन उग्रपंथी नहीं थे? ठीक है, तो ध्यान में कौन नहीं थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले नहीं थे, ठीक है। गोपाल बाकी बाल गंगाधर तिलक थे, मदनलाल ढींगरा थे जिन्होंने करजन वायली की हत्या कर दी थी, ठीक है। उधम सिंह की बात करेंगे तो क्या नाम था उसके, किसकी हत्या की थी उधम सिंह ने? जनरल 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 ओडायर, जनरल है जनरल ओडायर नहीं था, माइकल ओडायर था, ठीक है। ध्यान रखे जनरल ओडायर की हत्या नहीं किया था, ठीक है, माइकल ओडायर, ठीक है, ध्यान रखे। इन सभी ने की थी, ये सबके सब उग्रपंथी नेता था, बाकी गोपाल कृष्ण गोखले बिल्कुल ऐसे नहीं थे, ठीक है। निम्न से कौन उग्रवादी नहीं थे? ठीक है, ध्यान रखे डब्ल्यू सी बनर्जी नरमवादी नेता थे, उग्रवादी नहीं थे। तिलक साहब थे, बिपिन चंद पॉल साहब थे, सबके सब थे, ये नहीं थे, ठीक है। उग्रवादी या फिर नवीन राष्ट्रवादी कहना ज्यादा उचित होगा, तिलक साहब थे, अरविंद घोष साहब थे, बिपिन चंद्र पॉल साहब थे, लाला लाजपत राय थे, सबके सब राष्ट्रवादी नेता थे, ठीक है। जबकि बैरमशेठ बनर्जी उदारवादी कांग्रेसी थे। गोपाल कृष्ण गोखले की बात करेंगे तो ये भी उग्रवादी उदारवादी कांग्रेस थे। निम्नलिखित में से कौन उग्रवादी नेता नहीं था? ठीक है, तो गोपाल कृष्ण गोखले नहीं था। 50 क्वेश्चन करवा दूं कि 75 करवा दूं, बोलिए। 75 करवाएंगे तो 2 दिन में चैप्टर समाप्त होगा, 50 करवाएंगे तो दूसरा सब्जेक्ट भी पढ़ा दूंगा, क्या? सर साइंस में पढ़ाएगा वही तो पूछ रहा हूँ, क्या करवाऊँ, मतलब ये रहने दूँ? साइंस करवा सर ये दीजिए। 50 करवा देते।